इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे साफ सुथरा शहर है और यहाँ घूमने की कई सारी जगहें भी हैं। लेकिन इंदौर में ही कई जगह ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा डरावनी है और आज हम आपको पांच ऐसी ही जगहों के बारे में बताने वाले हैं। एमजी रोड, इस जगह को लेकर कई सारी कहानियां प्रचलित है। पुराने समय में इस इमारत में कई सारे लोग रहा करते थे, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी। इस जगह को लेकर कई सारी कहानियां प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि किसी वक्त में एक महिला ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली थी और उसकी रूह अभी तक इस महल में भटकती है। फूटीकोड़ी, शहरवासियों ने इंदौर की फूटीकोड़ी को भी भूतिया घोषित कर दिया है। इसके बारे में कहा जाता है कि रात को यहाँ पर बहुत ही डरावनी और अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और यही वजह है कि दिन में तो यहाँ सभी लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, लेकिन रात में कोई नहीं जाता। सुखनिवास पैलेस, ये पैलेस देखने में काफी खूबसूरत है, लेकिन इसके बारे में भी कहा जाता है कि यहाँ पर भी बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होती है, इसीलिए इसे भी हॉन्टेड कहा जाता है। लालबाग पैलेस, इंदौर का लालबाग पैलेस बहुत ही ऐतिहासिक महत्व रखता है। ये होलकर वंश की विरासत है, लेकिन कहा जाता है कि होलकर वंश की अतृप्त आत्माएं आज भी यहाँ रात में भटकती हैं, इसीलिए इसे भी डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। गमले वाली पुलिया, इंदौर के IPS स्कूल और AB रोड के बीच एक गमले वाली पुलिया है जो इंदौर की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। क्या आप रात में कभी ऐसी जगहों पर गए हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो के लिए अभी हमें सब्सक्राइब और